मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा और सांस्कृतिक विरासत को समाहित करते हुए नाथ मंदिर कॉरिडोर की 2 DPR तैयार की गई हैं। वैदिक वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए नाथ मंदिरों का लेआउट और डिजाइन तैयार किया गया है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम को 2 भागों में नाथ मंदिर की DPR भेज दी है। बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने बताया कि 114 करोड़ से नाथ मंदिरों में आध्यात्मिक पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने से संबंधित निर्माण कार्य कराए जाएंगे। 27.72 करोड़ से नाथ मंदिरों का सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। नाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण अब तेजी से रफ्तार भरेगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। नाथ मंदिरों को जाने वाली सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी PWD को दी गई है। इसके लिए 125 करोड़ के बजट की मंजूरी भी मिल चुकी है। सड़कों को 4 लेन किया जा रहा है। नाथ मंदिर कॉरिडोर को लेकर 21 जून को जनप्रतिनिधि और संभ्रांत लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए थे। इसके बाद 7 जुलाई को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने शासन को वित्तीय सहायता के लिए DPR भेजी थी। नाथ मंदिर कॉरिडोर और नाथ मंदिरों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट का 14 अगस्त को वर्चुअल प्रस्तुतिकरण किया गया था। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की काफ़ी सराहना की। इसके बाद इसे 2 भागों में विभक्त करने के निर्देश दिए गए थे। नाथ सर्किट के अंतर्गत प्रारंभिक परियोजना में वर्णित विभिन्न सड़कों की स्वीकृति देते हुए लोक निर्माण विभाग को निर्माण करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। बरेली विकास प्राधिकरण के आर्किटेक्ट सुमित अग्रवाल ने नाथ मंदिरों में टूरिज्म विकास की DPR अलग तैयार की। इसके बाद मंदिरों के सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण की DPR वैदिक वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इसको शासन को भेजा गया है। काशी की तर्ज पर आध्यात्मिक विरासत और संस्कृति को युवा पीढ़ी से परिचित कराने के लिए अब हर चौराहे तिराहे पर भगवान शिव के ओम, त्रिशूल और डमरू नजर आएंगे। बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक बरेली के चारों ओर आदिनाथ, अलखनाथ, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ और पशुपतिनाथ गेट बनकर तैयार हो गए हैं। उन पर पत्थर लगाए जाने का कार्य प्रगति पर है। डेलापीर पर डमरू, इन्वर्टीज और झुमका तिराहे पर ओम, नगटिया और बनखंडी नाथ मंदिर के पास त्रिशूल स्थापित किया जाएगा। बरेली विकास प्राधिकरण डेलापीर चौराहे पर तेजी से निर्माण करवा रहा है। डेलापीर चौराहे का नाम आदिनाथ चौराहा होगा। वहां सेल्फी पॉइंट बनेंगे। नाथ नगरी में प्रमुख स्थानों पर फोकस वाल का निर्माण करने की प्रस्तावना की गई है, जिस पर 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी होगी। इसके साथ ही भगवान शिव और नाथ मंदिरों के इतिहास से परिचित कराया जाएगा। इसके अलावा 100 फुटा तिराहा, बिसलपुर चौराहा और मिनी बाईपास चौराहा को भी नाथ नगरी को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। विभिन्न चौराहों के सौंदर्यीकरण एवं विकास की डिजाइन एवं DPR पृथक रूप से तैयार कराई जा रही है। इसमें पर्यटन विभाग, बरेली विकास प्राधिकरण, नगर निगम की सहभागिता होगी।